तो बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष बातचीत। आज बातचीत करेंगे फिल्मों में जो फाइट सीन होते हैं, जो कि लड़ाई होती है, बहुत युद्ध भी होता है कई ऐतिहासिक फिल्मों में, ऐसे जो सीन होते हैं उसको कौन डायरेक्ट करता है। ऐसे ही एक मशहूर डायरेक्टर हैं अब्बास अली मुगल, जो कि कई फिल्में जिनकी आप देख चुके हैं, जय हो, बेटा, जुड़वा, त्रिशक्ति, राज, जिस्म, मर्डर, वेलकम, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, स्पेशल 26, ये जवानी है दीवानी, बेबी, रुस्तम, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, और ऐसी ढेर सारी फिल्में जिनके नाम से दर्ज हैं। ऐसे ही अली अब्बास जी ने डायरेक्ट की है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की फाइट सीन्स को। हाँ जी हाँ, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो फिल्म है, जो कि बन रही है और काफ़ी हद तक ये बन चुकी है, इसके फाइट सीन भी उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। और किस तरह से डायरेक्ट किए हैं, किस तरह की समस्याएं आई इस फिल्म, क्योंकि ये ऐतिहासिक फिल्म है, इसको डायरेक्ट करने में या इसके फाइट सीन बनाने में किस तरह की समस्याएं आई, और ख़ास तौर से अर्जुन रामपाल जो कि इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं, उन्हें आपने किस तरह से ये फाइट, ख़ास तौर से तलवारबाजी सिखाई, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमसे बात करते हुए डायरेक्टर अब्बास अली जी। जैसे कि मुझे हमारे सर हैं डायरेक्टर रमेश सर, उन्होंने जैसा डिस्क्राइब किया था कि किस टाइप का एक्शन होना चाहिए, मतलब हमने इसको पूरा रियलिस्टिक रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि खड़ा वॉर है, खड़ा बैटल है, उसको हमने पूरा जैसा हिस्ट्री जो बोल रही है उस हिसाब से हमने उसको पिक्चराइज किया है उस एक्शन को, जिसमें आप देखेंगे कि हाथी वगैरह है, घोड़े हैं, काफ़ी मतलब 1000-2000 लोग हैं, फाइटर्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो हिस्ट्री से हम हटके कोई काम नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। और सर ने जो रिसर्च किया है वो एक एक चीज़ बताते हैं कि इसमें क्या चीज़ इनपुट करना चाहिए, क्या है, मतलब वो पूरा हमने फॉलो किया है। और आप जब स्क्रीन पे देखोगे तो आप इस बैटल को एक नए रूप में देखोगे जो हिस्ट्री के साथ में चल रही है। जैसे हमारे हीरो हैं अर्जुन रामपाल जो सिद्धनाथ प्ले कर रहे हैं, उनको हमारे सर ने बोला था कि इनको तलवारबाजी की, मतलब उन्होंने कभी तलवार सोर्ड फाइट की नहीं थी, तो हमने उसको काफ़ी 8-10 दिन मतलब एक हॉल बुक करके हमने काफ़ी उसकी रिहर्सल्स की। और अर्जुन से हम हमेशा मतलब ये डिस्कस करते रहते थे कि खड़ा वॉर में हम क्या पंच मतलब गैग्स करेंगे, क्या स्टाइल करेंगे, किस टाइप का स्टाइल होगा। तो चैलेंजिंग ये हो जाता है कि रियलिस्टिक में क्या होता है कि हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम कुछ हॉलीवुड की मतलब स्टाइल कर रहे हैं, हमको रियल जो एक एक्शन का एक जो डिमांड है इस पिक्चर की, हमने उसको फॉलो किया है। तो अर्जुन भी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, जो उसने बहुत अच्छी तरह से उसको फॉलो किया है, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे जब पिक्चर हमारी रिलीज होगी तब। मैंने काफ़ी पिक्चरें अर्जुन रामपाल के साथ की है, वो एक्शन तो ज़बरदस्त एक्शन हीरो है वो, लेकिन तलवारबाजी में मुझे ये था कि इतना तो मैं श्योर था कि अर्जुन रामपाल बहुत अच्छी तरह से कर लेगा वो, क्योंकि एक बार वो देख लेता है कि भाई इस टाइप का एक्शन है तो वो करना शुरू कर देता है। तो हेड्स ऑफ अर्जुन रामपाल ने बहुत अच्छा किया है इस पिक्चर में, और ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने मिलेगा। ये कम से कम हमारे वो एक बैटल को शूट करने में हमारे को 12 दिन लग गए। अभी हम यहाँ पर आए हैं पूना में, हम स्तंभ पे गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, हम पहली बार मैं गया हूँ, मुझे सर के थ्रू उसका मौका मिला है वहाँ जाने का। और हम लोग अभी क्लाइमेक्स का रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सर ने जो अभी बताया तो हम उस तरीके का लोकेशन भी ढूंढ रहे हैं, जब हम उसका जब टाइम आएगा तो हम उसको क्लाइमेक्स शूट करेंगे, जिसका टाइटल है बैटल ऑफ कोरेगांव, जो लास्ट की जो फाइट है उसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो एक ईच एंड एवरी डिटेल्स सर हमको बता रहे हैं उसका कि क्या कैसे होगा, क्या होगा, और उस तरीके से हम लोग उसको फॉलो करके करेंगे। ऐसे तो मेरी 300 पिक्चरें हो गई हैं, लास्ट पिक्चर पानीपत लगी थी, अभी गुलाम है, सरफरोश है, सलमान की बंधन, ये वो सब काफ़ी पिक्चरें, अक्षय की खिलाड़ी 420, टॉयलेट एक प्रेम कथा, काफ़ी ऐसी पिक्चरें हैं जो हुई है, लेकिन इस टाइप की पिक्चर जैसे मेरी पानीपत थी उस लेवल की ये पिक्चर है। मतलब हो सकता है ये मतलब ये जो बैटल ऑफ कोरेगांव का जब हम शूट करें तो आपको एक नई चीज़ देखने मिले उसमें, लेकिन काफ़ी ह्यूज लेवल पे हम शूट करने जा रहे हैं इसको। एफएक्स भी जो भी करेंगे, जो भी स्टाइल में होगा, एलिफेंट है, घोड़े हैं, तलवारबाजी हो रही है, भाले हो रहे हैं, तोपें चल रही है, अंग्रेज़ों के साथ में एक्शन है, तो काफ़ी ह्यूज स्केल पे है ये। मतलब जैसे कि हमारा लोकेशन अभी वैसे नहीं है, जैसे हमको किला फोर्ट में एक्चुअल परमिशन नहीं मिल रहा है, तो हमको किला खाली प्लेस करना है,
मतलब बाकी तो हमको एक्चुअल लड़ाई तो करनी पड़ेगी, वो VFX में आप कर नहीं सकते, तो एक्चुअल फाइट तो करनी पड़ेगी। और मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमको खिल्ला से लेके, अगर मैंने रिक्वायरमेंट मांगी खिल्ला से लेके एलिफेंट तक, तो सर ने हमको पूरा प्रोवाइड किया है। तो हेड्स ऑफ टू माय डायरेक्टर, माय प्रोड्यूसर सर, एंड हमने पूरा मतलब उन्होंने हमको खुला छूट दिया था कि जो आपको यूज़ करना है आप करिए, मेरे को मुझे रिजल्ट चाहिए। उनका एक ही होता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, जो हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर देंगे।